जय माता दी, जय माँ कामाख्या, माँ भगवती जगत जननी, आदिशक्ति भवानी, अलहादिनी शक्ति, कष्ट निवारिणी, दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी, चंडमुंड नाशिनी, सी वाहिनी, क्लेश नाशिनी, पाप नाशिनी, दुरितापहारिणी, शत्रु संग विधारिणी, आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान दे। ज्योतिष शास्त्र एक समुद्र है, जितना उसमें से आप निकाल सकते हो निकालो, फिर भी जो खास खास बातें हैं वो हम आपको बता देते हैं कि मनुष्य को दान देने से कष्ट भी हो सकता है, पूजा करने से कष्ट बढ़ भी सकते हैं। हमारे पास बहुत से ऐसे व्यक्ति मिलते हैं, हमें बताते भी हैं कि ये चीज दान देने से हमें नुकसान होता है, ये वाली पूजा करते हैं तो हमें कष्ट की प्राप्ति होती है, इसलिए हम ये चीज धारण कर लेते हैं तो दर्द होने लगता है, परेशान हो जाते हैं। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा कि आपका जो ग्रह उच्च का हो उसका दान आपको नहीं देना है। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा ग्रह उच्च का है और कौन सा ग्रह नीच का है, तो इसके लिए आपको किसी ज्योतिषाचार्य से पत्रिका चेक करवाना होगी कि आपका कौन सा ग्रह उच्च का है और कौन सा ग्रह नीच का है। तो जो ग्रह उच्च का है उससे संबंधित कोई भी दान आपको नहीं देना है, और जो ग्रह नीच का हो उस ग्रह की पूजा मत करो, उसका दान दो। ये कुछ नियम है, तो इन नियम के अनुसार यदि आप दान धर्म करोगे तो आपको फायदा होगा। फिर बाद में बहुत से मनुष्य रोते भी हैं, कह रहे मैं तो पूजा नहीं करूं, अब पूजा कराने से कष्ट की प्राप्ति होती है। तो पूजा कराने से कष्ट की प्राप्ति इसलिए हो रही क्योंकि आपने नीच ग्रह थे, आपने नीच ग्रह की पूजा करवा ली, तो नीच ग्रह की पूजा नहीं कराई जाती है और उच्च ग्रह का दान नहीं दिया जाता है। और यदि स्त्री है और सप्तम भाव में गुरु हो तो पीली वस्तु का दान नहीं करना चाहिए। आठवें भाव में सूर्य हो तो तांबे का दान बिल्कुल भी मत करो। मंदिर में यदि आप तांबे की प्लेट देखोगे, प्लेट दिए, तांबे का लोटा दान दे दिया, आपने तांबे की कटोरी चम्मच दान दे दी, तांबे का कलश ला करके आपने दान दे दिया, तो आपको कष्ट की प्राप्ति होगी। तो इन चीजों का अवश्य ध्यान रखें। और यदि आपको ज्ञान नहीं हो तो आप देव राधा ट्रस्ट से अपनी पत्रिका चेक करा सकते हैं, 7649862712 और 9893128047, ये दो नंबर हैं। इन दो नंबर पर आप व्हाट्सएप करके आप इस संबंध में उचित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं ताकि आपको कष्ट की प्राप्ति न हो। हमारा उद्देश्य है आप अपने जीवन में कम से कम कष्ट सहन करें। हमारा उद्देश्य है कि आप अपने जीवन में सुखी रहें। बिना वजह आपको कष्ट की प्राप्ति हो वो हम नहीं चाहते हैं, इसीलिए हम आपसे ये कह रहे हैं कि उच्च का जो ग्रह हो उसका दान नहीं करना है आपको, और जो नीच का ग्रह है उसकी पूजा नहीं करना है। सप्तम भाव में यदि गुरु बैठा हो तो पीली वस्तु का दान बिल्कुल भी नहीं करें। आठवें भाव में यदि सूर्य हो तो तांबे का दान बिल्कुल भी न करें। उदाहरण के लिए अपन ले सकते हैं कि जैसे सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है और तुला राशि में नीच का होता है, इसी प्रकार से अन्य ग्रहों के बारे में भी होता है।